वेलकम फ्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जेंस। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, स्टार और डेल्टा कनेक्शंस हमेशा थ्री फेज में होते हैं। हमारे डोमेस्टिक लोड में इनका कोई यूज नहीं है, और डोमेस्टिक यूज हमारा डोमेस्टिक लोड होता है जो हमारा क्या होता है, वन फेज का होता है, इसलिए इनका वहां कोई यूज नहीं होता है। मैं पहले आपको डिफरेंस बताऊंगा इनका, डिफरेंस क्या क्या है। पहले डिफरेंस में मैं स्टार कनेक्शंस क्या होता है, एंड टू एंड थ्री कॉइल्स को जोड़ देना स्टार होता है। क्यों जोड़ते हैं, न्यूट्रल लेने के लिए और फेज वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए, क्या फेज वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। एंड डेल्टा क्या होता है, ये फिगर हमेशा डेल्टा दर्शाती है ये, और इनका यूज कहां पर होता है, यूज स्टार कनेक्शन इज यूज्ड वेयर न्यूट्रल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्या न्यूट्रल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, मैंने यहां बताया, यहां पर न्यूट्रल कनेक्शन ऑब्टेंड करने के लिए, जहां पर न्यूट्रल कनेक्शन की रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम स्टार लेते हैं, और डेल्टा कहां पर लेते हैं, जहां हमें न्यूट्रल कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज। क्या होता है, जो हमारी फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज से अंडर रूट थ्री टाइम्स लेस होती है, और इसमें डेल्टा में क्या होता है, जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट, जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट से अंडर रूट थ्री टाइम्स कम होता है, और स्टार कनेक्शंस में जो हमारा लाइन करंट है वो इक्वल होता है किसके, फेज करंट के, और इसमें वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल होती है फेज वोल्टेज के, और हमारा जो स्टार कनेक्शंस है वे रिक्वायर्ड होते हैं जहां पर हमें लो स्टार्टिंग करंट रिक्वायर्ड होती है, और हमारे जो डेल्टा कनेक्शंस हैं वे रिक्वायर्ड होते हैं जहां पर हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम होती है। ये थी दोस्तों डिफरेंस इन स्टार एंड। अब मैं आपको कन्वर्जेंस बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है डेल्टा कनेक्शंस, इसको हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जेंस करेंगे। ऐसा करने के लिए पता है कैसे करना है, मैं बता रहा हूं आपको। यहां से अपना स्टार कनेक्शंस बना लीजिए, ये हो गया इसके बीच में स्टार कनेक्शंस, और इनको दे लीजिए अपनी तरफ से कोई भी नाम। मान लीजिए मैं दे रहा हूं R1, R2 एंड R3। क्या दे दिए मैंने, R1, R2 एंड R3। R1, R3 एंड R2 ये नाम दे दीजिए मैंने। और अब करना क्या है, हमें R1 निकालना है। क्या निकालना है, R1, हमें R1 निकालना है। ये देखो, ये है R1, ये है हमारा R1, और किस किस के बीच में है दोस्तों, R1 के साथ यहां से कौन कौन सी निकल रही है, ये देखो, ये वाली और ये वाली, ये कौन सी है, ये R12, और ये कौन सी है, R13। यहां पर इनकी मल्टीप्लाई लिख लें, R12 मल्टीप्लाई बाई R13 अपॉन इन तीनों का जोड़। वो क्या है, इसका जोड़, इसका और इसका, इन तीनों का जोड़, R12 प्लस R13 प्लस R23, ये हमारा R1 की वैल्यू। अगर मैं R2 की वैल्यू लूं, R2 ये हमारा R2 है, कहां से निकल रहा है, यहां से, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये लूंगा मैं और ये लूंगा और ये, तो R2 कितना हो गया, R12 मल्टीप्लाई R23, और ये सेम रहेगा R12 R13 प्लस R23, और R3 की अगर मैं बात करूं, ये है हमारा R3, यहां से निकल रहा है या यहां से ये जुड़ रहा है, तो ये वैल्यू लूंगा और ये लूंगा, R13 इंटू R23 अपॉन, वो सेम रहेगा दोस्तों, ये हमारी वैल्यू आ गई
R1 की, R2 की और R3 की। अब देखें, ये हमारा रिक्वायर्ड स्टार कनेक्शंस है। ये था हमारा स्टार कनेक्शंस। ये फिगर में जैसा आप देख रहे हैं, ये है हमारा स्टार कनेक्शन। अब मैं करूंगा स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा करने के लिए इनको आपस में जोड़ लें। क्या करें, इनको आपस में जोड़ लें, जैसे कि यहाँ ये, यहाँ नाम दे लें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अकॉर्डिंग टू नाम दे लें R2 1, और इनको इनको जोड़ लें। ये दे लें R3 2, जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और ये जोड़ लें। ये कौन सा हो गया, R3 1, क्योंकि यहाँ 1 मान लेते हैं, चलो यहाँ 2, यहाँ 3, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, R13 हमें क्या निकालना है, जैसे कि हमें ये निकालना है, R31 निकालना है, R21 निकालना है और R32 निकालना है। एक तो ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। अब देखते हैं इनको कैसे निकालते हैं। R12, जैसे कि ये देखो R31 निकालना है मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 31 देखो कितने कितने के बीच में है, 1 और 3 के, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस 1 और 3 के, तो इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का, ये देखो यहां से। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम इनको प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं इन दोनों की, सॉरी यहां पर 3 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, और यहां पर डिवाइड करते हैं, जोन सा नहीं आया, कौन सा नहीं, R1 आ गया, R3 आ गया, ये बच गया, ये नहीं आया, तो ये डिवाइड में। और सिमिलरली अगर मेरे को इसका निकालना है या ये निकालना है, अब मेरे को R12 निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, ये कितने के बीच में, 2 के और 1 के, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या करूंगा मैं, R1 + R2 + R1 × R2 अपॉन क्या बच गया, R3। और सिमिलरली यहां R3 + R2 + R3 R2 × R1, ये मेरी इसकी वैल्यू है, ये मेरी R12 की और ये 31 की। अब देखते हैं, ये मेरा रिक्वायर्ड डेल्टा है। आशा करता हूं यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।